your body, everybody. Work it. Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि डेली की व्लॉगिंग हम लोग करेंगे, तो जी अभी हो रहे हैं टाइम सुबह के 7 बजे और आपका भाई हो चुका है रेडी और जस्ट हो रहा है नाश्ते का इंतज़ार। चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे और उसके बाद निकलते हैं ऑफिस के लिए और इंशाल्लाह दिन में जो जो चीज़ें होती रहेंगी वो करते रहेंगे आपके साथ शेयर। तो गाइस ये तैयार हो चुकी है सैंडविच जो बनाई है मेरी वाइफ ने और ये है नाश्ते में आज। तो बस फटाफट से नाश्ता करते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो गाइस हो गए हैं रेडी, कर लिया है नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। तो गाइस हो चुके हैं ऑफिस से फ्री और अब वक्त है घर जाने का। तो टाइम हो गया है 5 और बस अब जो है वो रास्ते में है घर के और इंशाल्लाह ताला घर पहुंचते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं और उसके बाद क्या है प्लान्स घर वालों के आगे आज के वो देखते हैं। तो इंशाल्लाह घर जाके फिर होती है मुलाकात आप लोगों से। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम घर और बस अब जाएंगे घर के अंदर। ओ भाई आ गए हैं घर और घर आते ही पापा माशाल्लाह रेडी हैं। पापा कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। पापा जा रहे हैं ऑफिस की मीटिंग में। वहाँ से रेस्ट हाउस से फिर डिनर से फिर यहाँ। तो पापा का तो लंबा टाइम है आज का, तो आज हमें घर पर रुकना पड़ेगा। जा रहे हैं खुद, तो अब हम वेट करेंगे पापा के आने का। पापा कब आते हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं हम उस टाइम पर अपने निपटाएँगे सारे काम। तो भाई अब आा गए हैं घर और कुछ तफरी वफरी करते हैं अहमद भाई, कुछ ईद मनाते हैं, क्या करें। अरशुमान साहब हमें नहीं मिल रहे हैं। अरशुमान कहाँ है भाई? हम दादी के पास। चलो आ जाओ, कुछ ईद मनाते हैं, कुछ करते हैं। अरशुमान भाई जी, भाई अहमद भाई, भाई हमको अरशुमान भाई आज ठंड है, ठंड हो नहीं रही है इनको, पता नहीं क्यों ठंड लग रही है। खैर जिसको लगती है ठंड वो कंबल ले ले। मजा आया, कंबल है बात तो सही है लेकिन अभी नमाज पढ़ने जाओ, वजू करके जाओ, फिर अंदर आओ तो ठंड लगती है भाई, ठंड लगती है। अहमद भाई क्या क्या कह रहे हैं इनका? कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। आओ आज चैलेंज करते हैं कंप्लीट लूडो का, जो जीतेगा ना स्टे ट्यून। गाइस अभी सीन ये है कि मेरा एक बहुत अजीज़ बहुत प्यारा दोस्त आया है, तो बस उससे जाके ज़रा मिलते हैं। वो आए हैं उनसे मिलने के लिए, करवाते हैं आपकी भी मुलाकात। तो सीन अब ये है कि पापा के आने का वेट हो रहा है और उसके बाद जो है वो देखते हैं क्या प्लानिंग सब लोगों की होती हैं। इतने में जो है वो मेरा अज़ीज़ दोस्त जिसका ज़िक्र मैं आपसे कर रहा हूँ, मेरे बचपन का दोस्त अज़ीज़ भाई, वो भी आ गया है मिलने के लिए। तो जी करवाते हैं आपकी मुलाकात और बाकी देखते हैं फिर क्या है आगे की हम लोगों की रूटीन। तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़िम भाई क्या हाल चाल है? खैरियत है कैसे? अल्लाह का करम है। तो ये हैं जी नाज़िम भाई, मेरे बचपन के दोस्त, बचपन के यार, हमारा प्यार शालीमार। तो ये होंगे इंशाल्लाह हमारे पास व्लॉग में, ये खुद भी व्लॉगिंग करते हैं। तो मेरा भी चैनल है नाज़िम हारून व्लॉग्स के नाम से, बिल्कुल उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। उस इनको भी ज़रूर फॉलो करें और हमारी वीडियो भी लाइक करने की कोशिश करें। गाइस एक बंदे से तो मैं आपको मिलाने ही भूल चुका हूँ जिनका नाम है सलमान द नाकणी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र सर। ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती है कि सलमान भाई हमें मिल चुके हैं। चल झूठा और है हमारे, हम आ गए बस, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हैं भाई हमारे, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या खैरियत से है? ये हैं हमारे नबील भाई, हमारे अजीज़ बड़े भाई जिनसे हमें बेइंतहा प्यार है। ये भी हैं और ये भी इंशाल्लाह हमारे व्लॉग में हमारे साथ रहेंगे आइंदा भी।
तो गाइस हो गई है नाजिम से मुलाकात और अब जो है वो थोड़े से काम हम लोगों को करने हैं हमारे भाई लोगों के साथ जो फौरन से देखते ही ओडी डाल देते हैं अपने सर पे। तो ये काम हम निपटाते हैं फिर खाते हैं रात का खाना, मिलते हैं आपसे। क्या करना है अभी? पिज्जा खाने। पिज्जा आपको जो आंडे वाला बर्गर इनको चाहिए, आंडे वाला बर्गर। तो गाइस यहाँ हम ख़त्म करते हैं अपना व्लॉग। जैसे कि आपको बताया था कि कल पापा जो हैं वो गाड़ी लेके चले गए थे, तो जिसकी वजह से थोड़े काम नहीं हो पाए, थोड़ा घर पे बिज़ी हो गए थे और थोड़ी एक्टिविटीज़ अपनी घर की थी तो उसमें बिज़ी हो गया, तो व्लॉग भी एंड करना भूल गया था। तो मैंने कहा अपनी ब्यूटीफुल फैमिली को बाय बाय तो करता जाऊँ। और पहले व्लॉग के बाद जिस तरीके से आप लोगों का प्यार देखने मिल रहा है तो ये मेरी बहुत खुशनसीबी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत प्राउड मोमेंट है कि मतलब एक मेरी अभी पहली वीडियो थी और माशाल्लाह मुझे इतने प्यार मिल रहा है आप लोगों से। बस यही प्यार मुझे आप लोगों से चाहिए डेली बेसिस पे, क्योंकि हम भी सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, आप लोगों को अपनी डेली रूटीन डेली लाइफ यहाँ की दिखाने के लिए। तो लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक लाइक का बटन आता है नीचे ना, तोड़ दें उसको, तोड़ दें, प्यार दिखाएं यार अपना। आपका भाई व्लॉगिंग करेगा डेली सऊदीया की, तो परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग। तो जनाब इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे दूसरे व्लॉग में।